यही बोला, घबराना मत, घबराना मत, अभी तो मैं सिर्फ जेल के अंदर हूँ, लेकिन जिंदा तो हूँ। नमस्कार, मैं आसिफ असरार, कल्पना सोरेन। ये नाम झारखंड की राजनीति में जब भी लिया गया वो संभावनाओं और आशंकाओं के तौर पर ही लिया जाता रहा, लेकिन अब ये नाम सारी आशंकाओं और संभावनाओं की बेड़ियां तोड़कर पार चला गया है। सोमवार को गिरिडीह में जब कल्पना सोरेन मंच पर झामुमो का झंडा लहरा रही थी, तो ये नज़ारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए एक नई उम्मीद जैसा होगा। उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत जोहार के उद्घोष से करते हुए झारखंडी वीरों और गुजरे हुए झामुमो नेताओं को नमन करते हुए किया। भाषण शुरू करते ही कल्पना भावुक हो गईं। कार्यकर्ताओं के नारों के बीच उन्होंने अपने आंसू पोंछे और हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाया और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने भाषण को आगे बढ़ाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज जिन लोगों का ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसके वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया, इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की, जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसके वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनकी इसी व्यवहार की से ये पता चलता है कि इनके अंदर में कितनी घृणा पली हुई है, जो हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके पद से उतारने के लिए भी उनको बाध्य कर दिया, उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा। कल्पना जब बोल रही थी तो ऐसा नहीं लगा कि वो पहली बार हजारों की भीड़ को संबोधित कर रही हूँ। उनकी बोली में उतना ही आत्मविश्वास और ऊर्जा नज़र आ रही थी जितना कि किसी परिपक्व नेता में नज़र आती है। कल्पना के भाषण देने की प्रक्रिया और जब वो बोल रही थी, जिन हालातों का जिक्र कर रही थी, उसमें एक पत्नी, एक माँ और एक बहू की लाचारी के साथ साथ मौजूदा वक्त में भारत की सबसे मजबूत पार्टी से लड़ने की चेतना भी नज़र आ रही थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद कल्पना सालों से राजनीति को दूर खड़ी होकर देखती रही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद वो उस दहलीज को लांग कर खुद पार्टी का झंडा लहराते हुए नजर आई। इस क्रम में एक महिला को नेता बनते देखना बेहद दिलचस्प है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड के शहीद मर रहे हैं, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन मत घबराना, जय झारखंड, जय झारखंड। जहां एक तरफ केंद्र सरकार को षड्यंत्रकारी बताया, वहीं दूसरी तरफ आगामी चुनाव में जेएमएम के पक्ष में वोट भी मांगा। कल्पना ने बोलते हुए आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, वंचितों जैसे शब्दों को भी शामिल किया। कहा जाता है कि हमारे देश में जो भी चीज़ आती है वो इमोशन यानी कि भावनाओं के बाद ही आती है।
कल्पना ने अपने भाषण में इमोशन, एनर्जी, पब्लिक इंटरेक्शन, तमाम ऐसे पब्लिक स्पीकिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जिससे जनता उनके साथ जुड़ सके। मसलन उन्होंने अपने जन्मदिन वाले दिन हेमंत सोरेन से मुलाकात का किस्सा जनता से साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं है। जो आज आप मुझे बोल रहे हैं, कल्पना सोरेन मत घबराना, ये वही शब्द है जो कल मैं जेल में गई और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के यही बोला, घबराना मत, घबराना मत। अभी तो मैं सिर्फ जेल के अंदर हूं, लेकिन जिंदा तो हूं और ये जिंदा दिल आपके इस ढोल नगाड़े, आपके तालियों से ये प्रतीत हो रहा है और वो खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि उनका साथ देने वाले यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं जो उनको दिल में रखते हैं। जेएमएम के पोस्टर बॉय हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को जेएमएम का नेता चुन लिया गया और ऐसा लग रहा था मानो जेएमएम का पोस्टर अब सादा रह जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के झंडा मैदान में राजनीति में एंट्री मारी है, उससे ये पता तो चल ही गया कि जेएमएम को पोस्टर बॉय के बाद अब एक पोस्टर गर्ल भी मिल गई है। कल्पना सोरेन का पोस्टर गर्ल बनना इसलिए भी दिलचस्प है और ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे समाज को लगता है कि औरतों की जगह घर का रसोई खाना ही है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हों और कितनी भी काबिल क्यों ना हो। महिलाओं को हमेशा हमारे ड्राइंग रूम में होने वाले सो कॉल्ड ज़रूरी बैठकों से दूर रखा गया, लेकिन कल्पना के इस भाषण ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं कभी भी और किसी भी तरह की भूमिका निभा सकती हैं। आप भले ही जेएमएम के इस कार्यक्रम को एक राजनीतिक कदम के तौर पर देख रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए एक महिला का नेता बनते देखना जैसा ये कार्यक्रम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।